नमस्कार दोस्तों, आज मैंने बनाए हुए हैं घर पे बेसन के लड्डू। ये मैंने बहुत ही नेचुरल तरीके से, यानी कि बहुत ही होममेड तरीके से रेसिपी यूज़ की है। बिल्कुल सिंपल है, इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाई हुई है और छोटे छोटे नुस्खे बताए हुए हैं कि आप कैसे अपने लड्डुओं को अच्छा कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में घी डालेंगे। मैंने करीबन 250 ग्राम घी डाला हुआ है और इसको अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ जगह हमारा गर्म हो जाए तो मैंने उसमें बेसन डाला है, करीबन आधा किलो का बेसन डाला हुआ है उसमें। मैंने मोटा बेसन यूज़ किया हुआ है जिससे कि हमारे बेसन के लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप बारीक लेंगे तो एकदम अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए मैंने मार्केट से मोटा बेसन लिया है। तो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से भून लेंगे। देखिए दोस्तों, इसे कुछ अच्छी तरीके से पकाएंगे, यानी कि जो मैंने इसे भूना है बहुत ही अच्छी तरीके से, कि जिससे जो गले में है वो कच्चापन ना आए इसमें और ये गले में खाते समय ना चिपके ना ही लगे। तो मैंने इसको फटाफट भूना है, करीबन दोस्तों मुझे 15 से 20 मिनट लगे इसे भूनने में। और दोस्तों देखो, इसे भूनने के बाद इसमें मैंने पानी डाला हुआ है जिससे कि इसका जो मोटापन है वो थोड़ा सा फूल जाता है, यानी कि जो बेसन होता है, और हमारे बेसन के लड्डू खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने फ्लेवर के लिए उसमें कोकोनट पाउडर को भी भूना है जिससे कि हमारे बेसन के लड्डू में थोड़ा सा कोकोनट टेस्ट आ जाता है और ये बहुत ही खाने में बिल्कुल मज़ेदार होता है। तो कोकोनट पाउडर का कच्चापन ना हो इसलिए मैं इसको मैंने भून लिया है। और ये देखिए, अब मैंने इसको भूनने के बाद दोस्तों जो मैंने ये चीनी डाली हुई है ये करीबन 300 ग्राम है और आप चाहे तो अपने स्वाद अनुसार कितना भी डाल सकते हो, 250 ग्राम अगर आपको कम खानी है, आप अगर अच्छा खाना खाते हैं थोड़ा ज़्यादा खा लें, लेकिन टेस्ट के अनुसार 300 ग्राम इसमें चीनी के लिए मैंने डाल दिया है। दोस्तों जो मैंने चीनी ली है इसकी मैंने तगार बनाई हुई थी, यानी कि मैंने चीनी और पानी को एक साथ डालने के बाद उसमें एक चम्मच घी डाला हुआ था जिससे कि चीनी में कोई दरदरापन ना रहे और वो बहुत ही मतलब अलग अलग हो जाए, तो इसलिए उसमें घी डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसको हम तगार बोलते हैं जो मैंने इस लड्डू में यूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से हम लड्डू बनाएंगे होममेड टाइप के। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से हम फटाफट से अपने हाथों से गोल गोल लड्डू बना लेंगे। और दोस्तों इसमें आप फ्लेवर में इसमें इलायची भी डाल सकते हैं जिससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। आप इलायची, ड्राई फ्रूट वगैरह यूज़ करते हैं। तो दोस्तों जो मैंने बनाया है बेसन के लड्डू होममेड, बिल्कुल नए और बिल्कुल अनोखे तरीके से, आप मुझे कमेंट में जरूर करके बताइए कि आपको कैसे लगे कोकोनट बेसन के लड्डू। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई रेसिपी में, जब तक के लिए धन्यवाद।